तो नमस्ते, एक बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार टीईटी पास अभ्यर्थियों के द्वारा शिक्षक बहाली को लेकर के। जहां बिहार टीईटी पास अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री की सभा में जमकर नारेबाजी की और बिहार टीईटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने की मांग कर रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि बिहार टीईटी पास अभ्यर्थियों को मार्कशीट 25 मई से लेकर के 10 जून तक सभी जिला के डीओ ऑफिस में मिल जाएगा और टीईटी पास अभ्यर्थियों ने मार्कशीट मिलते ही नौकरी के लिए जो है आंदोलन करना शुरू किया। बिहार टीईटी पास अभ्यर्थी शिक्षक बहाली को लेकर के मुख्यमंत्री की सभा में जमकर नारेबाजी की और सबसे बड़ी बात कि 100 से ज्यादा टीईटी पास अभ्यर्थी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे और अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद नारेबाजी शुरू कर दिया। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि बिहार टीईटी पास अभ्यर्थियों को अब नियुक्ति करे, जल्द से जल्द सरकार मार्कशीट मिल चुका है। अब सबसे जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सीट से उठकर उन्हें शांत होने का इशारा किया, तब जाकर बिहार टीईटी पास अभ्यर्थी शांत हुए और नारे को बंद किए। फाइनली आप देख सकते हैं कि बिहार टीईटी पास अभ्यर्थी बिहार में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू हो इसको लेकर के आंदोलन शुरू कर दिया है। कहा जा सकता है कि बिहार टीईटी पास अभ्यर्थी का यही जोश जुनून रहा तो बहुत ही जल्द बिहार टीईटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाएगी, अन्यथा 2018 में नामुमकिन है। लेकिन टीईटी पास अभ्यर्थियों के मार्कशीट मिलते ही आंदोलन शुरू हो गया है। कहा जा सकता है कि बहुत जल्द बिहार टीईटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।